जम्मू सूबा के अलग अलग इलाकों में चल रहे मिलिटेंसी के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ जहां रियासी में 3 रोज़ कबल यात्रियों की बस पर हमला हुआ, तो वहीं बीती कल शाम कठुआ जिला के हीरानगर के सईदा इलाका में इनकाउंटर की शुरुआत हुई। वहीं मंगल व बुध की दरमियानी रात डोडा जिला के बदरवा सब डिवीजन के तहत आने वाले छतरगाला इलाका में भी मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ एक और वाकया पेश होने की इत्तला मिली है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बदरवा सब डिवीजन के छतरगाला इलाका में फौज व पुलिस का एक मुश्तरका कैंप व नाका कायम है, जहां दरमियानी रात अचानक फायरिंग की गई, जिसके बाद इस फायरिंग की जवाबी कार्रवाई हुई। वहीं ताज़ा इत्तलाहात मिलने तक इस इलाका में फायरिंग का तबादला बदस्तूर जारी था। वहीं इस पूरे इलाका की घेराबंदी करके मजीद नफरी को मौका पर रवाना कर दिया गया है। वहीं इस पूरे वाकये की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद जैन ने की। छतरकला में एक्सचेंज जो फायर हुआ है, वहाँ पर 4 RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला हुआ है सिविलियंस पर, इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। कैंप को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही छतरकला वाला जी? छतरकला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4 RR और हमारे पुलिस का जॉइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है।